नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेश श्रीमाली आप सभी का ग्रहों का खेल कार्यक्रम के माध्यम से कैसे करें श्री गणेश जी की विदाई के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गणेश चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक श्री गणेश जी हमारे घर में विराजमान रहते हैं। इन 10 दिनों में हम उनकी पूजा अर्चना समय पर करते हैं और प्रसाद भोग लगाना, आरती करना, जैसे कि हमारा घर कोई मेहमान नहीं आए हैं बल्कि परिवार के सदस्य ही आए हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, फिर समय आता है उनकी विदाई का। तो इनकी विदाई भी उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे हमारे घर आए मेहमानों की होती है। इसके लिए आप रोजाना वाली पूजा करने के पश्चात एक स्वच्छ लकड़ी का पट्टा ले लीजिए और उसे गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करके उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं, फिर उस पर थोड़े से टूटे हुए न हो चावल चढ़ाएं, फिर लाल, पीला या गुलाबी वस्त्र बिछाएं, वस्त्र पर गुलाब के पंखुड़े रखें, फिर पाटे के चारों कोनों में 4 सुपारी रख दीजिए, लग्न मंडप सुपारी जो होती है, और श्री गणेश जी को गणपति बप्पा मोरिया इस उद्घोष के साथ बोलते बोलते उनकी स्थापना वाले स्थान से उठाएं और पाटे पर विराजमान कर दें। इसके बाद श्री गणेश जी का आगे फल, पुष्प, दक्षिणा और मोदक और साथ में दूर्वा का भोग लगाएं। फिर एक छोटी लकड़ी लेकर उसमें चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बांध दें। यथाशक्ति जो भी आपकी सामर्थ्य है दक्षिणा रख दें। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब वो जाएं तब मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए जाते थे उस समय वो जो तैयारी करते थे, वैसी ही तैयारी श्री गणेश जी के विदाई के समय हम सबको करनी चाहिए। अब आप झटपट से मुहूर्त नोट करें। विसर्जन का शुभ मुहूर्त भाद्रपद शुक्ल पक्ष अनंत चतुर्दशी तिथि गुरुवार 12 सितंबर 2019 को। शुभ का चौगड़िया सुबह 6:26 से लेकर 7:58 तक रहेगा और शाम को 5:11 से 6:43 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 3 से लेकर 3:34 तक रहेगा। इन 3 मुहूर्त में से आप किसी को भी अपना सकते हैं। विसर्जन के पहले उनकी पुनः आरती करें, फिर श्री गणेश जी से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और 10 दिन जाने अनजाने में हमसे, हमारे परिवार के सदस्यों से या किसी और से कोई गलती हो गई हो तो उसकी क्षमा याचना जरूर करें। और ध्यान रखें, गणेश प्रतिमा को फेंके नहीं, पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र व समस्त सामग्री सहित धीरे धीरे बहाएं। और ये घर से निकलने से पहले आपको घर के सभी दरवाजों को खोलकर हर एक कमरे में, चाहे वो छत पर हो, चाहे अंडरग्राउंड में हो, चाहे कहीं पर हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, पूरे घर में उनको घुमाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ में उनके मार्ग में थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़कते जाएं। फिर विसर्जन करने के बाद घर आकर कलश के ऊपर लगा हुआ नारियल हटा लें, अंदर भरे पानी को छिड़काव पूरे घर में करें और शेष पानी को घर के गार्डन या पेड़ पौधे में या किसी गमले में डाल दीजिए। अब जानते हैं कि क्यों किया जाता है गणेश जी का विसर्जन। आपने यह तो जान लिया कि विसर्जन कैसे किया जाना चाहिए, परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि गणेश जी का विसर्जन आखिर क्यों किया जाता है? जिन्हें इतनी मन्नतों से बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर उनका विसर्जन। वेदव्यास जी ने भाद्रपद शुक्ल पक्षी चतुर्थी से महाभारत कथा का श्री गणेश करके लगातार 10 दिनों तक गणेश जी को सुनाई थी एक कथा, जिसे गणेश जी ने अक्षरक्ष लिखा था। फिर 10 दिन बाद जब वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन के अथक मेहनत के बाद गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो गया था। तब वेदव्यास जी ने शरीर के तापमान को ठीक करने के लिए उनको जल के कुंड में ले जाकर बिठा दिया। उससे उन्हें शांति व शीतलता का अनुभव हुआ और वह दिन था चतुर्दशी का। तब से गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश जी को घर लाकर उनकी पूजा अर्चना करके चतुर्दशी पर विसर्जन करने का प्रचलन हुआ और फिर यह उद्घोष होता है कि अगले बरस तू जल्दी आ, यानी इस बार 10 दिनों तक हमने आपकी आवभगत की है, अब आप अपने लोक में पधारें और अगले साल हमें पुनः मौका दें कि हम आपकी आवभगत, हम आपकी हर प्रकार से खातिरदारी कर सकें।
इसमें किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो, गंदगी ना हो, कोई ऐसा काम ना करें कि गंदगी कीचड़ वाले जगह पर जाके उनको बहा दें, ना ऐसे पानी को हम अपने नहाने के लिए उपयोग में लेते हैं, तो हम गणेश जी को कैसे कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आप ये मुहूर्त और ये सब सामग्री और जांच पड़ताल आप जांच चुके होंगे और ईश्वर आपकी मदद करे और ये गणेश विसर्जन अगले बरस बहुत जल्दी आए और आप सभी को सुख समृद्धि शांति का आशीर्वाद दे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी जुबान को विराम देना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।